वेलकम टू थर्ड डे। और जैसा कि फर्स्ट डे और सेकंड डे हम लोगों ने सिर्फ लाइंस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल बनाया हम लोगों ने, तो ये सब जो टास्क थे वो हैंड को फ्री करने के लिए होता है, जिससे कि आगे वाले आने वाले जितने भी स्केचिंग्स हैं वो आपके बिल्कुल ही स्मूथ होते हैं और फ्री फ्लो होते हैं। तो आज थर्ड डे, आज हम कुछ उस बेसिक शेप से कुछ ड्रॉ करेंगे। जैसे आज हम ड्रॉ करेंगे फ्रूट्स, और आज हम कलर भी करेंगे इसको। तो ये कुछ जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया था और ट्रायंगल से ही हम लोगों ने वाटरमेलन बनाया, तो इसको कलर करेंगे। तो सबसे पहले उसके कलर करने के लिए सबसे पहले उसके एजेस को हम फिल करेंगे। एजेस को फिल करने के बाद जो एक बाउंड्री होगी वो बाउंड्री बन जाएगी। बाउंड्री के अंदर फिर आप कलर फिल कर सकते हो। ये ऐसे पूरे उसको कलर से कवर कर देंगे। ये पूरा और ये जो कलर्स हैं बिल्कुल ही वाइब्रेंट हैं। और ये जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है स्टेडलर का पेंसिल कलर, जिसके कलर भी बहुत ही वाइब्रेंट हैं और बिल्कुल स्मूथ होंगे। तो हमें कहीं पे भी वाइट नहीं छोड़ना है गैप। और इसके बाद जो कलर होगा वो हम करेंगे डार्क ग्रीन, उसकी बाउंड्री जैसा कि कोई भी कलर फिल करने के पहले उसकी बाउंड्री फिक्स करेंगे। फिर इसको जो हैंड को है बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो बाउंड्री के लिए हम लोगों ने ये जो लाइन है इसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल ही पेंसिल को हार्ड रखा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इसकी जो कलर है इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसको बिल्कुल ही लाइट छोड़ रहा हूँ मैं। तो इसको चारों तरफ से इसको कलर करेंगे और बिल्कुल ही सॉफ्ट छोड़ देंगे आगे। और इसके आगे आप थोड़ा लाइट कर सकते हैं। और इसके बाद हम सीड्स करेंगे। सीड्स के लिए बिल्कुल ही कुछ गैप छोड़ के ब्लैक कलर से फिल कर देंगे। तो ये बन गया आपका। और अभी हम जो ड्रॉ करेंगे वो है कैरेट। और कैरेट के लिए ये हम लोगों ने जो हाफ सर्कल ड्रॉ किए थे उससे हमें बना सकते हैं। तो सेम उसकी तरह ही, वाटरमेलन की तरह ही इसकी बाउंड्री को फिल करेंगे। बाउंड्री के बाद फिर इसका सेंटर पार्ट को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटर पार्ट है, जो एजेस हैं इसके, इसको डार्क रखेंगे और उसको सेंटर में ला के थोड़ा हल्का करेंगे। फिर इसको किनारे में फिर से डार्क। फिर इसको यहाँ पे हल्का कर देंगे, फिर यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। फिर इसके लिए
और फिर ब्लैक कलर से इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स देते हैं ये चीज़ें आ गई। आप देख सकते हो कि कितना इजी होगा बेसिक शेप्स बनाने से। और फिर ये देखो आप सर्कल जो हम लोगों ने बनाया उस सर्कल की हेल्प से हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं आउटर पार्ट्स। इसके लिए एक छोटा सा गैप देंगे, गैप देखो बाकी सारे फिल कर देंगे। इसको भी वैसे ही करेंगे किनारे में डार्क, फिर सेंटर पार्ट में इसको थोड़ा ब्राइट रखेंगे। ये हमने सारा फिल कर दिया। सेम ट्रीटमेंट हम इसको भी करेंगे। आउटर पार्ट को फिल किया और इनसाइड आप जितना पास पास आप ब्रश पेंसिल को चलाएंगे उसमें गैप कम आती है तो उसको गैप कम दें तो उसमें लाइंस भी नहीं आएंगी और पूरा कलर फिल भी हो जाएगा। फिर ग्रीन कलर से और ये हम सबका फेवरेट मैंगो। मैंगो के लिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी किए सिंगल कलर्स किए हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा ब्लेंड करेंगे कलर्स को। जैसे पहले मैंने बताया था आपको कि सेंटर पार्ट में हम लाइट रखते हैं वैसे ही एजेस को इसको डार्क रखेंगे, डार्क से लाइट की तरफ लाएंगे। ऊपर से ये डार्क रहेगा ऑरेंज, फिर नीचे उसकी जो ग्रिप है ये जो ग्रिप टाइट होगी वो हल्की होती जाएगी। तो आप देखोगे कि जितनी हल्की होगी उसकी लाइट कम होती जाएगी। तो इसको कहते हैं ब्लेंड और इसको लाइट करते हुए हम नीचे लाएंगे, मीन्स कि इसका जो ग्रिप है उसको हल्का रखेंगे और फिर इसको आप जैसे जैसे मैं नीचे ला रहा हूँ ये चीज़ लाइट होती जा रही है। ये यहाँ पे जो डार्क है यहाँ पे मीडियम टोन, फिर यहाँ पे लाइट होके ख़त्म हो जाएगी। फिर हम इसको नीचे से बॉटम से फिर हम येलो लेके जाएंगे तो आप देखोगे कि एक सिंगल कलर का इफ़ेक्ट और ड्यूल कलर का इफ़ेक्ट कैसा आएगा। और येलो को भी हम सिर्फ नीचे तक नहीं रखेंगे, इसको ऊपर तक लेके जाएंगे जैसे हम लोगों ने ऑरेंज लेके आए और इसको ब्लेंड करेंगे ऊपर तक। तो ये आप देख सकते हो कि कलर कैसे ब्लेंड हुआ है और इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट पकड़ा है हम लोगों ने। तो ये सारे फ्रूट्स हो गए हैं और फिर एक और फ्रूट है
स्ट्रॉबेरी, तो आउटर पार्ट को हम फिल कर लेंगे। ये इनिशियल स्टेज पे जब आप स्केचिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि हाथ का फ्लो अच्छा रहे, तो उसके लिए आप जितना सॉफ्ट पकड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए पेंसिल। और बिल्कुल ही आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं कि हमें फिनिश करना है और जल्दी से करना है। आप जितना टाइम लगाएंगे चलेगा, उतना पेशेंस रखें। तो ये आज हमारा थर्ड डे का लेसन था जिसमें हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स डिज़ाइन किए, और तो ये कुछ बेसिक शेप से बने हुए हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट करें और जो भी फीडबैक है हमें बताएं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो फिर अगले सीरीज़ आपको मिलता रहेगा। अगर आप नए यूज़र हैं, अगर आपने पहली बार देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।